जीवन शैली में तब्दीली व तनाव महिलाओं में बांझपन का सबसे बड़ा कारण। अंदाज से 7,000 स्त्री रोग के जो स्पेशलिस्ट है इंडिया में, 40,000 स्त्री रोग के, उसमें से टेस्ट ट्यूब बेबी का काम कर रहे हैं। अभी इंडिया में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी 1978, बाद में 86, बाद में अभी बहुत लाखों में इंडिया में टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा हो गई है, सक्सेस हो गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एजुकेशन, जो शेयर करने का। तो चंडीगढ़ और पंजाब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ टेस्ट ट्यूब और ऐसी सब सेवाएँ काफ़ी दूसरे स्टेट से ज़्यादा हो रही है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसके माध्यम से हम लोग इम्पोर्टेंट नई जो सोच है, नई टेक्निक्स है, जिससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जिससे सेफ्टी के रिजल्ट्स आते हैं, और जो एक सीनियर जनरेशन है, तो नई जनरेशन को सिखाने का काम वो ये माध्यम से करते हैं। और इसमें मकसद ये है कि हमको पूरे इंडिया में हर कॉर्नर में कोई भी स्त्री को अगर टेस्ट ट्यूब बेबी या उसके एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए तो उसकी सुविधा अच्छी तरह मिले। अभी इसमें लास्ट 2 साल में मेरे साथ में डॉक्टर केदार गांगला है, हमारे सेक्रेटरी है, बहुत होनहार है। वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ है, बट 45 टेस्ट ट्यूब बेबी हम लोग ने 2 साल में जो नीडी या पुअर पेशेंट है ईसार के थ्रू पूरे इंडिया में फ्री कराया है। ये किसी ने नहीं कराया अभी तक, पर क्योंकि ये रैपिडली डेवलपिंग साइंस है, इसलिए इंटरनेशनल एक्सचेंज करना ज़रूरी है। आजकल ARTI बिल चल रहा है, सरोगेसी बिल चल रहा है, उनके भी डिस्कशंस होते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पंजाब चंडीगढ़ में जो लोग हैं, डॉक्टर बेदी के नीचे डॉक्टर अच्छे होनहार लोग हैं, पूजा मेहता, ये तो ये सब लोग से नए विचार, नई शोध। अभी मान लो एक चीज़ है कि एडवांस टेस्ट ट्यूब में तो बहुत होते हैं, तो सब लैब में होते हैं, तो कॉमन क्लिनिशियन कैसे समझे? अच्छा, पूरे वर्ल्ड में मान लो फाइब्रॉइड एंडोमेट्रियस को नहीं समझ सकते, वो इंडिया में सब लोग समझे, तो वो एक बड़ी बात होने वाली है। दूसरे सब्जेक्ट्स में थोड़े कायदे कानून में कैसे मदद हो सकती है, तो वो सब चीज़ डिस्कस करेंगे। और ये सब चीज़ इधर भी डिस्कस होती है और बैठे बैठे पूरे इंडिया में लोग देखते भी हैं। ऐसे स्पीकर जैसे डॉक्टर प्रकाश त्रिवेदी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं एसआर के, डॉक्टर केदार गांगला हैं जो हमारे ऑनरी सेक्रेटरी हैं, मुंबई से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं। हमारे पास 5-6 और स्पीकर हैं जो पुणे से आए हैं, और ये सारे चंडीगढ़ में गैदर हुए देखने के लिए कि और क्या टेक्निक्स इवॉल्व हो गई हैं और क्या एडवांसमेंट हो गई है इनफर्टिलिटी में। जो इसार हमारी बॉडी है, इट्स इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन, 1991 में इस्टेब्लिश हुई थी मुंबई में, इतने साल हो गए, 30 साल हो गए। हर साल कोई ना कोई इनोवेशन होती है, प्रेसिडेंट्स चेंज होते हैं, प्रेसिडेंट्स के आइडियाज चेंज होते हैं, और जब ऐसे प्रेसिडेंट आ जाएं जो ये सारी टेक्निक्स को आगे पुश करें और स्पेशली हर एक स्टेट में जाके उनको ये बताएं कि अच्छा फाइब्रॉइड के लिए ये करना है, अगर फाइब्रॉइड मतलब रसौली, और बाहर क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि ये लोग बाहर जाते रहते हैं, सारे लोग नहीं जा सकते, तो ये लोग बाहर जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, इनफैक्ट वहाँ से जो सीख के आते हैं और सिखा के आते हैं वो हमें यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज में बताते हैं। और इस हॉल में बैठे हुए नियरली 150 डॉक्टर्स हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो तरह तरह के ट्रीटमेंट्स अपने पास यहाँ पे सीख सकते हैं। अभी इंडिया का फर्टिलिटी रेट लोअर हो चुका है, यानी अपने पास अभी नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो बन रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो पेशेंट्स हैं उनको ये ट्रीटमेंट बहुत आसानी से और सस्ते दाम पे कैसे हम उपलब्ध करें, इसके ऊपर इसार की धारणा है। इसी को रखते हुए डॉक्टर प्रेसिडेंट प्रकाश त्रिवेदी जी ने ये एम्पति फंड करके एक फंड अरेंज किया है, जहाँ पे पेशेंट्स को, यू नो, बिलो पॉवर्टी लाइन के पेशेंट्स को सुविधा मिलती है। ट्रेनिंग का तो ऐसा है सर कि ये तो स्टेट लेवल का कॉन्फ्रेंस है, अभी नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होगा, वो 4 दिन चलेगा,
यहाँ पे 12 से 15 वर्कशॉप चलेंगे, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी, इंटरनेशनल स्पीकर्स वर्चुअल आएंगे, बात करेंगे. सो बेसिकली नॉलेज का डिसिमिनेशन जो है वो प्रोसेस होना चाहिए. अच्छी तरह की प्रैक्टिस हर गांव में होनी चाहिए, जिसके कारण वो गांव के पेशेंट्स को वो फायदा हो. दैट इज व्हाट इसार्स अल्टीमेट एम इज. और एक लास्ट चीज है कि ये ज्ञान का आदान प्रदान होता है, उसके साथ से जो साइंटिफिकली करेक्ट यानी एथिकली अच्छी प्रैक्टिस, वो इसार एक एथिक्स के ऊपर अच्छी तरह गवर्नमेंट के साथ में इंटरैक्ट करती है, जिससे कि जो कायदा कानून बने उसमें ये होए कि पेशेंट्स को फायदा होए और जो डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं उनको इतनी डिफिकल्टी ना हो. जैसे क्या स्त्री स्वास्थ्य एकदम इम्पोर्टेंट है, हम लोग बोलते हैं बेटियाँ बचाओ बेटियों पढ़ाओ, अच्छा उसके बाद क्या, उसके बाद जो देखते हैं गायनेक देखते हैं फीमेल हेल्थ फर्टिलिटी, जिसको बच्चे नहीं होते, आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल है, सब लोग ओवर बिजी है, सो सबको छोटे टाइम में रिजल्ट चाहिए. जहाँ जीरो स्पर्म में भी रिजल्ट आता है, जो खुद बीज नहीं प्रोड्यूस करते उसमें भी रिजल्ट आता है. सो ऐसी बहुत सी नई नई टेक्निक आई है जिससे हम बच्चा जेनेटिकली नॉर्मल है कि नहीं वो दिखा के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि क्योंकि ये साइंस है तो इसका मिसयूज़ नहीं करें. मैं डॉक्टर पूजा मेहता हूँ, चंडीगढ़ चैप्टर ऑफ इसार. इसार इज इंडियन सोसाइटी फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन, उसकी मैं सेक्रेटरी हूँ. आज हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, ऑर्गेनाइज करवाया हुआ इन एसोसिएशन विद सेंट्रल इसार, मतलब ऑल इंडिया इसार जो हमारा नेशनल इसार है उसके साथ हमने एसोसिएट करके ये ऑर्गेनाइज किया हुआ. इसमें हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रकाश त्रिवेदी, नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर केदार गांडला और बहुत एमिनेंट स्पीकर्स डॉक्टर सुनील जिंदल, डॉक्टर कुदनर इंगले पुणे से, लखनऊ से, डॉक्टर सीमा पांडे, डॉक्टर सुलभा, बहुत डॉक्टर्स और आए हैं और उन्होंने आके अपने अपने फील्ड में अपनी अपनी टॉक्स और अपने अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे स्प्रेड करी है. हमने ये जो मेन कॉन्फ्रेंस हमारा जो आज का जो एम था वो था कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच बताएं, ना कि थियोरेटिकल पार्ट. हमने एक प्रैक्टिकल अप्रोच टू इनफर्टिलिटी पेशेंट्स, मतलब प्रैक्टिकली हम क्या क्या कर सकते हैं एक रूटीन नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट को एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट तक जाने, पेशेंट को जाने के लिए जो जितना टाइम स्पेंड होता है उस समय एक गायनी प्रैक्टिशनर किस तरह से अपनी प्रैक्टिस को और सुधार बेटर कर सकते हैं और गेन नॉलेज गेन कर सकते हैं, उस पर हमारा मेन फोकस था. तो आज यहाँ पे 150 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने अटेंड किया है ये सेमिनार और अभी भी चल रहा है, एंड आई थिंक अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा जा रहा है ये सेमिनार एंड वी आर रियली बहुत नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं. आपको पता है इनफर्टिलिटी का मतलब, अगर मैं बोलूँ तो हम, जब मैं अपना MD कर रही थी उस समय इनफर्टिलिटी अगर मैं कहूँ तो हम सुनते थे कि हार्डली 4-5% लोगों में प्रेगनेंसी होने में मुश्किल आती है, लेकिन ओवर द टाइम हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है. मतलब हम 8-12% लोगों में प्रेगनेंसी होने में आजकल मुश्किल आ रही है. तो उसका मेन रीज़न अगर मैं कहूँ तो हमारा लाइफस्टाइल को हम एक कहेंगे कि भी हमारा आज का लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है. हम एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डाइट चेंजेस आ गए, हम लोग खाने पीने में जंक फूड ज़्यादा खाते हैं. सेकेंडली हमारा, अगर मैं लाइफस्टाइल के साथ बोलूँ तो स्मोकिंग अल्कोहल ड्रग्स पे हम आजकल सेवन बहुत ज़्यादा होने लग गया है. उसके अलावा आप देखोगे कि मेल्स और फीमेल्स दोनों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, तो जो मेल्स में कई बार जैसे स्टेरॉइड्स या जैसे जो जिम जाते हुए अपनी मसल बिल्डिंग करने के लिए स्टेरॉइड्स वगैरह का अपना सेवन करते हैं वो भी मुश्किल होती है, उससे भी इनफर्टिलिटी के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं. फीमेल्स में जैसे मैं कहा कि फीमेल्स में भी ये सारी प्रॉब्लम्स आती है इस चक्कर को लेकर, इनफर्टिलिटी को लेकर. सो एक सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम राइट टाइम पे अगर हम उनका पहले हम सबसे पहले इन्वेस्टिगेट कर ले पेशेंट्स को, मेल्स और फीमेल दोनों को, बोथ ऑफ देम, एंड देन उसके बाद अगर उनको फिर भी कई बार कई लोग अपनी प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं तो अगर इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल है तो वो डिले कर सकते हैं. लेकिन अगर सपोज आपके इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल नहीं है तो हम उनको कहेंगे कि आप प्रेगनेंसी जल्दी प्लान कर लीजिए. यू नो आजकल एक और चीज़ जिस पे हम अभी लास्ट में एक टॉक आने वाला है जिसको हम कहते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन. फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि कई बार आप देखोगे कि कई लड़कियों को, यंग गर्ल्स को या यंग बॉयज़ को कैंसर
डिटेक्ट हो जाता है। अच्छा, उन कैंसर के बाद में क्या होता है कि कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी से क्या होता है, अगर हमारे जो अपने बॉडी के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन्स लेडीज में होते हैं या ओवरीज पे बुरा असर होता है और मेल्स के टेस्टिस पे बुरा असर होता है उस चीज़ से, सो हम क्या करते हैं उसमें, हम फर्टिलिटी उनकी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। प्रिजर्वेशन का मतलब कि हम उनको वो कीमोथेरेपी से पहले उनके स्पर्म्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं मेल्स में, और वही हम आई मीन कीमोथेरेपी से पहले हम उनके जो एग्स है, लेडीज के एग्स है, उनको भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ताकि आगे जाके जब वो इलाज हो जाए उनका, तो उनके एक बायोलॉजिकल चाइल्ड जो उनका अपना चाइल्ड है वो ले सकते हैं। बिकॉज कीमोथेरेपी के बाद अगर अपने हार्मोन्स या अपने प्रेगनेंसी ना हो तो आगे जाके वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन आजकल एक बहुत अपकमिंग फील्ड है एंड बहुत ज़्यादा उसमें रिसर्च हो रहा है। एंड ओवेरियन टिश्यू फ्रीजिंग, टेस्टिकुलर फ्रीजिंग, ये सब नए नए टेक्निक्स शुरू हो चुके हैं जिससे लेडीज के और मेल्स के फर्टिलिटी को हम प्रिजर्व कर सकते। ICMR के थ्रू हमें, ICMR रिकॉग्नाइज एजेंसीज के थ्रू ही हम ले सकते हैं। डायरेक्टली आके कोई भी बंदा एग्स या स्पर्म डोनेट नहीं कर सकता, नॉर्मली हमेशा एजेंसीज के थ्रू उनके टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, अगर वो फिट होते तो उस हिसाब से उनके हम फिर आगे स्प्रेड किए जाते हैं। एनोनिमिटी ऑफ द डोनर बोथ मेल एंड फीमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनोनिमस डोनर्स होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती। सो दैट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द कप, बोथ रेसिपियंट एंड द डोनर बोथ।